उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश जारी है। रात को ही मूसलाधार बारिश के चलते नरेंद्रनगर स्थित मधुबन कॉलोनी में एक भारी ऊंचाई वाला पोस्ता भरभराकर ढह गया। इसके बाद भारी मात्रा में मलबे का ढेर सड़क पर इकट्ठा हो गया। गनीमत ये रही कि मलबा गिरते वक्त किसी तरह का हादसा नहीं हुआ। पोस्ता गिरने की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का मौका मुआयना किया। आपको बता दें कि मधुबन कॉलोनी में लगभग एक दर्जन से अधिक सरकारी कर्मचारी परिवार सहित रहते हैं और कल रात को भारी बारिश होने के कारण ये पोस्ता यहाँ गिर चुका है, जो जहाँ शिविर भी है, जिससे अब शिविर का भी गिरने का खतरा है। और मेरा पीडब्ल्यूडी विभाग से अनुरोध है कि इसे जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करें ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे कल रात भारी बारिश होने के कारण हमारे घर के आगे का पुस्ता गिर चुका है, जिसमें यहाँ सेफ्टी टैंक है, ये भी धीरे धीरे करके नीचे आने वाला है। और इसके घर के पीछे जो जस्ट पुस्ता लगा है वो भी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। और मेरा विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी से अनुरोध है कि वह इसे जल्दी से जल्दी लगवा लें, ताकि हमें बहुत दिक्कत हो सहनी पड़ रही है और ये धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। पुस्ता टूटने से 6 परिवारों को खतरा भी पैदा हो गया। जो हिस्सा टूटा है वहाँ पर शौचालय भी बना है जो कि रिस रहा है। बारिश हुई तो उसके भी टूटने की पूरी संभावना है। बताया जा रहा है कि बाढ़ आपदा के तहत पुस्ता निर्माण का एस्टिमेट बनाकर तुरंत विभागीय उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है। उम्मीद है जल्द से जल्द पुस्ता निर्माण को स्वीकृति मिलेगी और पुस्ते का कार्य प्रारंभ होगा। मैं इस वक्त नरेंद्रनगर की मधुबन कॉलोनी के इस रोड पर मैं खड़ा हूं और यहां पर ये मधुबन कॉलोनी है, ऊपर कम से कम इसमें एक दर्जन से अधिक परिवार जो कर्मचारी वर्ग है वो रहता है इसमें। रात को भारी बारिश होने के कारण यहां पर पूरा एक बड़ा पुस्ता ढह गया है और लोगों को खतरा पैदा हो गया है। और इसी पर पुस्ते के ठीक सामने अंदर जो शौचालय है उसका टैंक है और वो भी रिस रहा है धीरे धीरे। और इसके पीछे भी के दीवार है वो भी लगभग टूटने के कगार पर है। और पीडब्ल्यूडी इसका मरम्मत करती है, नरेंद्रनगर की पीडब्ल्यूडी, तो इसको सूचना पीडब्ल्यूडी को सूचना दे दी गई है, एसडीएम को सूचना दे दी गई है कि जल्द से जल्द ये पुस्ता यहाँ पर जो है लगाया जाए ताकि लोगों की जो है सेफ्टी हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके। देखते हैं पीडब्ल्यूडी अपना ये पुस्ता कब यहाँ पर लगाना शुरू करती है, ये देखने की बात होगी ताकि लोग सुरक्षित रह सके। नरेंद्रनगर से संवाद 365 के लिए मैं वाचस्पति रयाल।